नमस्ते दोस्तों, जीके का सवाल जो आपके जीवन में खुशी लाए। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोगों को खुशी जीवन में लाने वाला सवाल इस वीडियो में मिलेगी। सवाल नंबर एक, सर्दी जुकाम हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बीमारी से बचना है तो। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है सरसों का तेल पूरा शरीर में मालिश करना चाहिए और बालों में लगाकर सो जाना चाहिए। रात के समय में सर्दी जुकाम जो है वो एक दिन में पूरा ठीक हो जाएगा और स्वस्थ शरीर हो जाएगा और ठंडा चीज का परहेज करें। सवाल नंबर दो, बुखार लग जाए तो क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि बीमारी के बारे में सब जानकारी जो है आप तक डायरेक्ट मिले। दोस्तों इसका सही आंसर है अगर आपको बुखार लग गई है तो एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को घी खाने से बुखार जो है वो एक से दो दिन में ठीक हो जाएगा। अगर सर्दी जुकाम भी होगा तो वो भी तुरंत ठीक होगा। दोस्तों सवाल नंबर तीन, बार बार पेशाब लगने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर आप लोगों को बार बार पेशाब लगती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है अगर आपको बार बार पेशाब लगती है तो खाना खाने के बाद एक कली लहसुन रोज खाना चाहिए। इससे जो बार बार पेशाब लगने की बीमारी जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये ठंडी के मौसम में होता है। सवाल नंबर चार, पानी कम पीने से शरीर की कौन सा पार्ट जो है वो खराब और नुकसान हो जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है पानी कम पीने वाले लोगों को लीवर पूरा खराब हो जाता है और किडनी जो है उनकी सफाई बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए पानी जो है वो खूब अच्छा से पिए और गर्म पानी ठंडी के मौसम में पिए। दोस्तों सवाल नंबर पाँच, घर में बरकत कब होता है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप तक जानकारी जो है डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है खूब पूजा पाठ करने और पंडित लोगों से कराने से जो है वो घर में बरकत होती है और लक्ष्मी माता जो है वो घर में निवास करती है। नहीं तो जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उन लोगों के घर में कभी भी माता लक्ष्मी जो है वो बिल्कुल नहीं आती है, नाराज होकर के चली जाती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें।